अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पहला जोर शोर से तैयारी थी रही है। प्राण प्रतिष्ठा आवनारा मेहमानों माटे विशेष आयोजन करवामां आव्या छे। खास सिक्योरिटी ना क्यूआर कोड वाला आमंत्रण कार्ड थी हाल तो प्रवेश आपवामां आवशे तेवी तैयारी थई रही छे। ट्रस्ट 7000 मेहमानों ने आ कार्ड आपशे। आ साथे घणा मेहमानों विशेष चार्टर प्लेन मार्फते पण आवाना छे, जेना माटे जिला प्रशासने खास व्यवस्था करी छे। चार्टर प्लेन क्या उतारवा ते माटे पण खास तैयारियों ने हाल तो आखरियो आपवामां आवी रह्यो छे। बैठक में सुरक्षा बंदोबस्त सहित तमाम तैयारियों की समीक्षा करवामां आवी रही छे। देखो, जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है उसके विभिन्न बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की। गेस्ट की संख्या पर चर्चा की गई, उनको किस प्रकार से वहाँ व्यवस्थित कराना है, कैसे उनको एक्सेस देना है, कहाँ बैठेंगे, किस प्रकार से सीटिंग प्लान होगा और कैसे उनको पासिंग इशू किए जाने हैं, कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो किसी स्तर पर, पार्किंग और ट्रैफिक की प्रॉपर व्यवस्था रहे, इन सभी मुद्दों को लेकर हम लोगों ने चर्चा की है। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा भी उस समय होगा तो कहीं सिक्योरिटी लैप्स ना हो और सिक्योरिटी नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए और क्या क्या हमको विशेष चीज़ों का ध्यान रखना है, उन सब चीज़ों पर आज वार्ता की गई। चार्टर प्लेन से आएंगे, उनकी संख्या अभी निर्धारित नहीं है, हम मान के चल रहे हैं 80 से 100 के बीच में ऐसे चार्टर प्लेन आने की संभावना है। तो जो निकटवर्ती जिले हैं जहाँ पर एयरपोर्ट से आ जाए एयरस्ट्रिप्स हैं वहाँ पर उनको पार्क करने के लिए हम लोग व्यवस्था बनाएंगे। इस सुरक्षा के सभी कदमों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की श्रेष्ठ और उच्चतम व्यवस्था हो इसके लिए स्थानीय प्रशासन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देशित किया है। उसी के अनुपालन के लिए ट्रस्ट के साथ प्रशासन का कोऑर्डिनेशन अच्छा बने इसके लिए मंडलायुक्त, जिलाधिकारी महोदय, आईजी महोदय, एसएसपी महोदय सब ने बैठ करके ट्रस्ट के द्वारा बनाई गई जो व्यवस्थाएं हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त किया और प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं बनी हैं 22 तारीख के आने वाले अतिथियों के संबंध में उसकी जानकारी दिया। तो आता त्यार सुधीना समाचारों, राज्य सहित देश ने दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों माटे आप जोड़ायेला रहो जी 24 कलाक साथे।